हेलो फ्रेंड्स, अभी सक्सेना दल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, वो हम कॉमनली रोज गो थ्रू होते हैं, लेकिन कभी हम उसके इनडेप्थ में वजह में नहीं जाते कि इश्यूज क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप देख लीजिए, ये सैंडी मेरी वेबसाइट है, ये इसका स्टेटस है पिछले कुछ टाइम से। और ये मतलब जैसे अभी 15 अगस्त की भी एल्गोरिथम आई थी, उसके बाद थोड़ा सा ये हिट हुई मेरी वेबसाइट, लेकिन धीरे धीरे मैं इसमें ऑन अ रेगुलर बेसिस चेक करता रहता हूँ कि क्या इशू हुए और क्या नहीं हुए। तो अगर मैं अभी लास्ट बात करूँ आपसे, और आप देख सकते हो, तो ये जो अभी मैं फुल रिपोर्ट पे जाता हूँ एक बार इस पर, हाँ सॉरी, इसलिए दोबारा मैं इसमें आपको उस वक्त डेट शो नहीं हो रही थी। तो आप देख सकते हो कि 15 नवंबर से, अगर मैं 12 नवंबर की बात करूं, तो ये 10 नवंबर को 2908 था, फिर 2625 हुआ, फिर 2519 हुआ, फिर 2443 हुआ, फिर 2465 हुआ, अब ये बढ़ा है। ठीक है, तो कई बार हमें लगता है कि डिप आया था, तो क्लिक इंप्रेशंस का कोई चक्कर हो सकता है, या हमारे मेटास थोड़े से उस हिसाब से अप टू द मार्क नहीं थे, बहुत सारे इशूज़ हो सकते हैं। तो हम क्या जाते हैं, हम सीधा जाके डैशबोर्ड में जाके, या वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो हम मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में ओपन नीचे चेंजेस करने लग जाते हैं, या कॉन्टेंट पर डिस्कशन होने लग जाता है कि भाई क्या हो गया, क्यों डाउन हुआ। लेकिन आप हमेशा अगर ओवरव्यू देखते हैं तो प्लीज़ सेटिंग में जाइए। हमेशा गलती SEO की नहीं होती, कॉन्टेंट राइटर की नहीं होती, आपके ऑन पेज ऑफ पेज की नहीं होती, कई बार चीज़ें कुछ और भी होती है। क्रॉल स्टेट्स हमेशा चेक कीजिए, वीक में 2 से 3 बारी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले रोबोटो TXT भी देख लिए, 2 files हैव क्रिटिकल एरर्स। आपने इसको ओपन करा, ये 17 नवंबर को फैच हो गई हैं, ये CDN से रिलेटेड है, MS से रिलेटेड है, इसका हमारा नहीं है, बट ये अगर देखा जाए ये फैच प्रॉपर हो चुकी है। ठीक है, ये वो फाइलें हैं जैसे कई बार स्टेजिंग की होती है, तो ये उसमें है, तो इसका हमारे, लेकिन ये 17 नवंबर को ये प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, एक तो इसको चेक कीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर आज मैंने वीडियो बनाया, आप क्रॉल स्टेट्स पे जाइए। एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ कि क्रॉल स्टेट्स जो होता है वो हमारा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बढ़ने और कम होने में। लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं, डेप्थ वीडियो है वो, छोटा वीडियो है, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर एक उसमें रिलेशन दिखेगा, कोरिलेशन दिखेगा। अब हम स्क्रॉल स्टेट्स को ओपन करते हैं। तो आज जब मैंने इसको ओपन करा, तो आपको एक बात पता है, क्रॉल रिक्वेस्ट हमेशा जनरेट होना अच्छी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट होंगी उतने ज़्यादा हमारे पेजेस इंडेक्स होंगे, और इंडेक्स होंगे तो हम रैंकिंग में दिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्रॉल रिक्वेस्ट मेरी अप एंड डाउन रहती हैं, जैसे 85,820 ये 7 नवंबर को थी, अभी 11 नंबर को 49,688 थी, ऑलमोस्ट 50 के, फिर ये डाउन शुरू हुई होना। एकदम से देखिए, 26,000, 8,000, 11,000, 8,000, आप देखिए, फिर ये अब बढ़ी है। लेकिन आप देखिए कि 50,000 से 11 नवंबर को 50,000, 12 नवंबर को 26, सिंपली हाफ, 13 नवंबर को फिर हाफ, मतलब 26 का आधा 13 होता है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए उससे भी नीचे, फिर सीधा 8। तो इसमें हुआ क्या, तो आप देख लीजिए sandy.com 3 लाख करीबन रिक्वेस्ट आई थी, और प्रॉब्लम लास्ट वीक। मैंने इस पर क्लिक करा, मैं इधर गया तो होस्ट स्टेटस आया, होस्ट हैड प्रॉब्लम लास्ट वीक। मैंने इस पर क्लिक करा, तो आप देख लीजिए रोबोटो TXT परफेक्ट है, DNS रेजोल्यूशन परफेक्ट है, लेकिन हाई फॉल रेट लास्ट वीक, सर्वर कनेक्टिविटी। अब सर्वर कनेक्टिविटी का सिंपल फंडा क्या होता है कि आपने कहीं ना कहीं होस्टिंग ले रखी होगी एक सर्वर में, ठीक है, जहां आपके सारे वेब पेजेस स्टोर होंगे। जैसे ही किसी ने रिक्वेस्ट करी किसी भी सर्च टर्म पे, जैसे मैंने, जैसे आप बात कर सकते हो बीचेस की बात करी, sandy.com की बात करी, एलिसो बीच की बात करी, सेंटा मोनिका बीच की बात करी, किसी भी एवर, तो वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर जहाँ आपकी होस्टिंग होगी वहाँ से पेज लोड होंगे सर्वर से, और वो आपके यूज़र को दिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपका होस्ट में ही इशू है, होस्टिंग साइड इशू है, तो पेज कैसे लोड होंगे, लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा,
बाउंस रेट हाई होगा या एरर्स आएंगे, कुछ और भी इशू हो सकता है। तो आप देख सकती है, देख सकते हैं 15 नवंबर को 7.5% फेल्ड हुई है कॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। उससे पहले भी फेल रिक्वेस्ट 0.0 रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 0.8%, 7.5% हुई है, फिर 16, फिर ये हुई है 15 को, फिर 16 हुई है 4.4%, ठीक है, आपने ये देखा। अब ये हाई फॉल रेट लास्ट वीक है, हाई फॉल रेट का मतलब आपके क्रॉलर्स आए, गूगल बॉट्स आए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कुछ पेजेस को लेके, लेकिन क्या हुआ वो पेजेस वहाँ से लोड नहीं हुए, इसलिए उनका क्या हुआ, क्रॉल बजट जो हुआ वो वेस्ट हुआ और एग्जॉस्ट हो गया और वो वापस चले गए। तो आप देखिए कि कई बार आपको पता होगा जब आपकी वेबसाइट नहीं होती है, कभी आप एक पीक पे पहुँचते अपनी वेबसाइट पे, तो सब कहते हैं यार हमारा क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट पे क्यों नहीं आ रहे, हमारे पेज क्यों नहीं इंडेक्स हो रहे। आप कितने डेस्परेट होते हैं, आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्रॉलर, आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं बैक जाऊँ तो आप खुद देख लीजिए कि क्रॉलर खुद हमारी वेबसाइट पे आया जिसने 50,000 पेजों की रिक्वेस्ट करी, टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट है, लेकिन क्या हुआ सर्वर साइड होस्टिंग साइड से इश्यूज है, जिसमें आपको कोई जिसमें एक SEO की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। गलती क्या हुई SEO से कि वो जब गूगल सर्च कंसोल पे आया तो उन्होंने केवल ये चीज़ देखी जो हमें सिखाया जाता है ज्ञान, यहाँ आओ ये डिप क्यों हुआ, तो हम ये चीज़ का जवाब देते हैं, अरे सर डिप तो हो रहा है लेकिन हाई डिप तो नहीं है ना, एकदम डाउन तो नहीं चला गया, तो आप देख रहे हैं सर ये ऊपर नीचे डिप होता है, ये बोला भी जाता है एक जेन्युइन है, यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म। तो जो क्लाइंट होगा, जो जो आपके सीनियर या मैनेजर होंगे, वो भी बोलेंगे हाँ भाई अप डाउन चल रहा है, एक मैनेजेबल है। लेकिन एक SEO की ये गलती है कि वो पूरा गो थ्रू नहीं करता है, कि आप हमेशा मैं आपसे बोलूँगा सेटिंग में जाइए robot.txt और फाइल भी देखिए, लेकिन क्रॉल स्टेट ज़रूर जाइए, 90 डेज के क्या आते हैं, अगर ये फॉल हुआ है तो रीज़न क्या था, और यहाँ पे आपको रीज़न दिखेगा कि जो होस्ट की तरफ से इशू था और सर्वर कनेक्टिविटी इशू था, इसमें आपका नहीं था। आप ये भी अगर क्योंकि देखिए अब आप, मैंने आज ये इशू देखा, मैंने अपने जो मेरी डेवलपमेंट टीम थी मैंने उनको स्क्रीनशॉट शेयर करा स्लैक पे, तो उन्होंने बोला विल चेक। अगर मैं इशू देखता ही नहीं तो मेरा सारा फोकस क्या रहता, मेरे टाइटल मेरे डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करने में, कीवर्ड रिसर्च करने में, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करने में, चाहे वो मैं कुछ भी कर लेता यार क्रॉलर तो आ रहा है ना, लेकिन जब वो पेज ही लोड नहीं हो रहा सर्वर की तरफ से, होस्ट का इशू आ रहा है, तो इंडेक्सिंग कैसे होगी और रैंकिंग तो आप भूल ही जाइए, और ट्रैफिक का तो कहना ही क्या। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक SEO अगर आप हैं, और ये होता है कभी कभार हमसे मिस आउट हो जाती हैं, लेकिन तब भी अगर आप ओवरव्यू देख रहे हैं, ओवरव्यू देखिए ज़रूर है, लेकिन आप ये सेटिंग में जाके क्रॉल रिक्वेस्ट ज़रूर देखिए कि कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है। और जैसे मैंने क्रॉल रिक्वेस्ट पर भी वीडियो बनाया है कि क्रॉल रिक्वेस्ट तभी जनरेट होती हैं जब आप रेगुलर अपडेट करते हैं, चाहे मेटाज हो गया, चाहे कॉन्टेंट हो गया, या और भी साइड से इमेजेस हो गया, या आप चीज़ें करते रहते हैं या नया कंटेंट ऐड करते रहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि पहली बार वेबसाइट पे क्रॉलर आया तो उसने 50 पेज अपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में ग्रो थ्रू करे और इंडेक्स करे। अगली बार वो आया उसने देखा अब तो 100 हो गए, तो वो अपना फिर क्रॉल बजट बढ़ा के आएगा कि यार इस वेबसाइट पे जाना चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। देखिए क्रॉलर तो आ रहा है ना, लेकिन जब आपका होस्ट की तरफ से वो पेज ही लोड नहीं होंगे जो उसने रिक्वेस्ट करी, तो फिर तो क्या है, क्रॉल बजट भी एग्जॉस्ट होगा, एक इमेज भी डाउन हुई। और आप देख सकते हैं मैंने गूगल पे भी ये डाला कि हाई फॉल रेट लास्ट वीक इन टर्म्स ऑफ क्रॉल रिक्वेस्ट, मैंने वही टर्म डाली फ्रेंड्स जो मेरे को यहाँ पे दिख रही थी एग्जैक्टली, हाई फॉल रेट लास्ट वीक इन टर्म्स ऑफ क्रॉल रिक्वेस्ट मीन ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय सर्च इंजन क्रॉलर्स लाइक गूगल बॉट टू एक्सेस पेजेस ऑन योर वेबसाइट रिजल्टेड इन एरर्स। मतलब पिछले हफ्ते बहुत सारे अटैम्प्ट हुए क्रॉलर्स के, जो गूगल बॉट थे हमारे, टू एक्सेस द पेजेस, और इसमें उनको एरर दिखा इंडिकेटिंग द इशू सर्वर कनेक्टिविटी robot.txt कॉन्फ़िगरेशन और एनी अदर टेक्निकल प्रॉब्लम दैट प्रिवेंटली सक्सेसफुली क्रॉलिंग ऑफ योर वेबसाइट, जिसने एक सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट पे क्रॉलिंग होने से रोका। सर्वर इशू भी हो सकते हैं, robot.txt DNS इशू भी हो सकते हैं, रिडायरेक्ट लूप से ब्रोकन लिंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हो जाती है कि हमें क्रॉल देखिए, इन्वेस्टिगेट द डिटेल इन सर्च कंसोल, चेक द स्टेट गूगल क्रॉल स्टेट्स रिपोर्ट टू सी स्पेसिफिक इशूज आर कॉजिंग हाई फॉल रेट। स्पेसिफिक इशू हमें क्या दिख गया है, होस्ट हैड इशू दिख गया ना हमें, कि होस्टिंग की तरफ से हमें इशू है। वही मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ,
कि होस्ट हैड इशू। होस्ट स्टेटस, होस्ट हैड प्रॉब्लम लास्ट वीक। ठीक है, तो बस ये टॉपिक मेरे इसलिए आपसे डिस्कस करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमेशा ये नहीं कि आप ऑप्टिमाइज ही करे जा रहे हो, पहले आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखिए, इससे टेक्निकल एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो मैं दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।